नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे झारखंड में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एडमिशन ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। कई सारे अपडेट्स किए गए हैं पोर्टल पे कि कब से कब तक फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है और वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, पेमेंट आपको कब से आपको जारी किया जाएगा, ठीक है, पैसा यानी कब तक मिलेगा और कब तक लास्ट डेट है, सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स आपको मालूम चल सके आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कौन कौन से लोग भर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्लास तक और कौन कौन से कास्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है, सारा कुछ डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का थोड़ा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पे पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्कॉलरशिप का हर तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पूरे अपडेट्स के। यहाँ पे झारखंड में अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 का यहाँ पे अभी चल रहा है कि एक साल पीछे चल रहा है, डिले चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का यहाँ पे एडमिशन ईयर 2023-24 का यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है और पोस्ट मैट्रिक के 22-23 का ही अभी चल रहा है, अभी बाकी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन ईयर 2023-24 के यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है प्री मैट्रिक है। और प्री मैट्रिक में आपको मैं बता दूँ कि प्री मैट्रिक में यहाँ पे आपका यहाँ पे पहला क्लास से लेकर के 10वीं तक के स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं प्री मैट्रिक के द्वारा, ठीक है, और जिसमें उनका आधार बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक होना अनिवार्य है और SC ST एंड BC के कास्ट यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि खुद से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आप आवेदन नहीं कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक आवेदन को आप खुद से अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अपना स्कूल के लॉगिन आईडी रहता है उसी से आपका टीचर्स लोग करेंगे, आप खुद से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और उनका यहाँ पर लास्ट डेट कब तक रखा गया है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। यहाँ पर देखेंगे पहला यहाँ पर जो अपडेट्स है नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्री मैट्रिक एप्लीकेशन स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड वेरिफिकेशन बाई द ENO स्कूल लॉगिन, ठीक है, यानी कि आपका स्कूल से वेरिफिकेशन करने का और रजिस्ट्रेशन करने का स्टूडेंट्स को डेडलाइन जो रखा गया है 20/7/2023 से स्टार्ट है, जो कि लास्ट डेट 20/10/2023 तक रखा गया है, यानी कि 3 महीने तक फॉर्म को भरने का आपको समय मिल रहा है। हमने इसका जानकारी दिया था पहले कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओपनेट बता रहा था, कुछ डेट यहाँ पे मेंशन कहीं भी पोर्टल पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेट को मेंशन कर दिया गया है 20/7/2023 से स्टार्ट है, जो लास्ट डेट इसका 20/10/2023 रखा गया है, ठीक है। तो आपको 20/7/2023 से लेकर के 20/10/2023 तक आपका स्कूल से रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म को भरा जा सकता है और वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है स्कूल के द्वारा। इसके बाद स्कूल से जब वेरिफिकेशन आपका हो जाता है फॉर्म भर के, यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वेरिफिकेशन एंड पेमेंट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट बाय द DNO लेवल, ठीक है, यानी कि आपका DNO लेवल के द्वारा आपका आवेदन को वेरिफिकेशन करके, ठीक है, वेरीफाइड करके और पेमेंट प्रोसेस करने का जो डेडलाइन रखा गया है वो 20/8/2023 से, यानी कि 1 महीने बाद आपका यहाँ पे वेरीफिकेशन, यानी कि इसी महीने 20 तारीख से आपका आवेदन वेरीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा DNO लेवल पे, और लास्ट डेट रखा गया है 20/11/2023 तक, और वेरीफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा साथ में और पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 20/8/2023 से आपको पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा और DNO लेवल से आपका आवेदन भी यहाँ पे अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके घर में भी पहली क्लास से लेकर के 10वीं तक के आपके बच्चे हैं घर में, तो उनका जा करके आप स्कूल में फॉर्म को भरवा दीजिए खुद से, आधार कार्ड आपका लगेगा बच्चे स्टूडेंट्स का, और इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जल्द से जल्द आप भरवाएंगे तो आपके लिए अच्छे रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कॉलरशिप रिलेटिव और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।